नमस्कार दोस्तों, अस्तुति इलेक्ट्रिक सेल्स एंड सर्विस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों देखिए, मेरे पास एक गैस चूल्हा है, ये देखिए कितनी खतरनाक पोजीशन में है, ये बिल्कुल सब जाम है। ये अगर जाम रहेगा, अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो सबसे पहले क्या करें, आप यहाँ डाल दें मिट्टी का तेल या फिर डीजल, या फिर डीजल मिट्टी तेल नहीं है तो एक कॉटन कपड़ा लें और कॉटन कपड़े के अंदर गीला करके कपड़े से पानी से और गीला करके रख दें इसके ऊपर करीब आधे घंटे के लिए, उसके बाद खुलना स्टार्ट करें। दोस्तों मेरे पास डीजल था, मैंने डीजल डाल दिया पहले ही। और दोस्तों साथ साथ देखिए, आप देख रहे होंगे मैंने भी खोला नहीं है, क्या देख रहे होंगे ये कितना जंग पकड़ लिया है। अगर आपने खोलने का है इसको भी, तो जहाँ जहाँ आपको लगे कि जंग पकड़ा हुआ है वहाँ वहाँ सब जगह पर आप डाल दें डीजल। दोस्तों इस बॉटल मैंने हल्का सा ढक्कन के ऊपर छेद कर लिया है और ये देखिए मैं किस तरह डाल रहा हूँ। मैंने इसे गीला कर दिया है, अभी आप क्या करें पहले जला चेक करते हैं, उससे पता चले आपको इसमें क्या हुआ है, इसको रिपेयर कैसे करना है। दोस्तों को जलाना है तो पहले क्या रख दिया उसके ऊपर, ये देखिए, और पाइप लगा। दोस्तों जब भी पाइप लगाना हो तो आप यहाँ हाथ जरूर लगाएं, नहीं टूट सकते हैं दबाव से, तो यहाँ हाथ लगाएं। और अगर अपनी दुकान में आप चेक कर रहे हैं तो आप पाइप ऐसा प्रयोग करें जो कि एकदम आराम से घुस सकता हो। दोस्तों हमने प्लास्टिक पाइप लिया है ताकि आराम से घुस जाए, क्योंकि मुझे घुसा निकालना रहता है, इसके लिए हमने ऐसा पाइप लिया है। दोस्तों बटन में काफ़ी जाम है, ये आप देख रहे होंगे, और बिल्कुल भी एकदम फुल जाम है, आराम से नहीं घुमाएंगे, टूट भी सकता है ये देखिए ये भी जल रहा है, ये कैसा हो रहा है, ये इस तरह जल रहा है ये। और तीसरा वाला भी सेम ऐसी कंडीशन में है, ये देखिए खैर जल गया लेकिन काफ़ी, देखिए हमने स्लो किया बंद पड़ गया ये, जब भी जलना चाहिए था। अभी क्या करें, सिलेंडर बंद कर दें और एक बार चेक कर लें कहीं आपका सिलेंडर में देखो तो ओके कि नहीं। देखिए ये इसको जल जाने दें, जब पाइप बाहर निकालेंगे तो गैस होगा तो बाहर निकल जाएगा। हाँ दोस्तों देखिए हमारा गैस खत्म हो गया पाइप के अंदर, अभी आपको पाइप निकालना है, क्या नीचे रख दें। दोस्तों पाइप बाहर निकाल लिया, अभी पाइप बाहर निकाल दिया आपने और कैप गर्म से निकलेगा नहीं। अभी दोस्तों डाल दिया डीजल, देखते हैं खुलता है क्या, ऐसे खुलना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ दोस्तों खुल गया, और सिर्फ एक कारण है खुलने का, ये डीजल ही है, अगर डायरेक्ट तगड़ा दबाते और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती और साथ साथ खुलता भी नहीं था, लेकिन आपने पहले डाले डीजल तो क्या होता है आपका काम आसान हो जाता है। सिर्फ जब भी आपको गैस चूल्हे रिपेयरिंग करना हो तो आप देख लें कि आपको गैस चूल्हे में अगर कोई चीज़ जाम है तो आप डीजल जरूर डालें। जैसे हमने पहले डाल दिया डीजल सब में, ये भी खुल गया, हाँ ये भी खुल गया। देखो अब मैं सब खोल के बाहर निकाल लेता हूँ, दोस्तों देखिए हमने ये निकाल दिया है। आप देखिए इतने भयंकर हाल में ये, इसी कंडीशन ये कैसा है, एकदम खतरनाक क्वेश्चन है ये। ओके अब क्या करें, अभी निकाल लिया अभी नॉब, इसे आराम से निकालें आपको, नहीं टूट भी सकता है ये। ये देखिए तरफ से प्यार से एकदम, ये एकदम प्यार से, जल्दीबाजी ना करें नहीं टूट जाएगा ये। ये हो गया। अभी दोस्तों ये क्या करें, यहाँ पर डाल दें डीजल, आप खराब हो जाता। दोस्तों ने डाल दिया डीजल, लेकिन उसके बाद भी उसको खचा ये बराबर नहीं है, क्योंकि साफ करके सही कर लें फिर खोलना शुरू करें। दोस्तों एकदम अच्छे से साफ कर लिया, देखिए हमने साफ कर लिया, अब देखता खुलता है क्या। और खोलना जब भी इसके ऊपर आपका अच्छा हो और एकदम ऐसा पकड़े और ये एकदम सीधा ये इस तरह से करना है और अब उस सब यू खोल लेना है, खोल के पाइप बाहर निकालना। अब दोस्तों मैं इसे भी खोल लेता हूँ फिर आपको निकालता हूँ।
देखिए खुल गया है, अभी आप क्या करें, तो क्या से तो बाहर निकाल सकते, ये देखिए बाहर निकल गया है। अभी आप क्या करें, सबसे पहले ये करें कि आप जो मिक्सी ट्यूब है इसको निकालिए, निकाल तो दिया है अपने पहले से, इसे कचरा पूरा साफ करिए। देखिए कितना कचरा, देखिए कितना भयंकर हल में है, इसको साफ करना आपने को इस तरह कोई चाकू हो या फिर कोई स्केल हो, दोस्तों मेरे पास चाकू नहीं है, यहाँ पे स्केल है, मैं इसके साथ उसको लगा कि कोई जितना साफ कर पाए कर दें, ऐसे बाहर साफ नहीं चलेगा, लेकिन अभी रिपेयरिंग आया हुआ है या फिर आप घर में सर्विसिंग करना चाहें तो इस तरह थोड़ा साफ कर। दोस्तों देखिए जरा कचरा देखिए आप, कितना कचरा इसके अंदर निकल रहा है, देखिए कितना भयंकर हाल में है। अगर अपना काम रिपेयरिंग है, इसके लिए जो भी काम आए काम को पूरी ईमानदारी से करें। कचरा देखिए कितना निकला, खाली मिक्सी ट्यूब के अंदर ही, अभी तो कॉक वगैरह सब करना बाकी है। जितना अच्छा सफा होगा उतना अच्छा जलने अच्छा रहेगा। आपको अगर यहाँ सीधा सर्विसिंग करना हो अपने घर पे, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें बिना स्किप किए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पक्का है कि आप गैस वाला सर्विसिंग कर पाएंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं है, आपको किसी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों अगर आप इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों देखिए इसको पाइप के अंदर आपको डाल देना है कपड़ा, इस तरह घुमा के आपको साफ कर देना है, सफा हो चुका है, सभी को डालना है कपड़ा इसको, मैंने सफा कर दिया था खाली कपड़ा डाला नहीं था, अभी कपड़ा डाल देता हूँ, देखिए ये हो गया साफ, तीनों को हमने साफ कर दिया जितना हो सकता था, नया तो नहीं हो पाएगा ये क्योंकि कंडीशन बहुत खराब इसका, लेकिन हमने साफ कर दिया। कचरा देखिए आप, मुझे लगता है कम से कम 100-150 ग्राम कचरा निकल गया होगा, देखिए अभी आपको सर्विसिंग करना है आपका कॉक, कचरा पूरा इकट्ठा करके उस कस्टमर दिखाना, मैं कचरा इसलिए फेंकूंगा नहीं, और साथ साथ आप लोग भी देख लें कि लोग किस तरह का सामान यूज करते हैं, खाना बना रहे हैं घर में कितनी गंदगी होती है, ऐसा मतलब फ्री आदमी दुकान भेज रही, दुकान में जा रहा हूँ। पहले दोस्तों कॉक खोलने से पहले आप ऊपर जो मिट्टी होता है उसको साफ कर लें, जब आप कॉक खोलेंगे तो डायरेक्ट हट जाएगा ये, तो पहले ही आप साफ कर लें इसको, ताकि कॉक खोलें तो मिट्टी अंदर न जाए। ये देखिए कितना कचरा है ये, दोस्तों वीडियो को ध्यान दीजिएगा बिना स्किप किए, आपको अच्छे समझाएं। दोस्तों बहुत दिन बाद जब वीडियो बना रहा हूँ मैं, कई नहीं रहता कि 2 महीने के आसपास वीडियो को करने जा रहा हूँ मैं, तो दोस्तों मैं एक नया दुकान खोल रहा हूँ और इसकी वजह से मुझे टाइम मिल नहीं रहा था, मैं थोड़ा समय निकाला हूँ, और अभी दुकान मेरा पूरी तरह से सारा सेटअप हो नहीं पाया है, क्योंकि आप जानते हैं पहले मेरा दुकान बॉम्बे में था और ये दुकान मैं खोल रहा हूँ यूपी में। अब दोस्तों देखिए अब जो गैस वाला सर्विसिंग करने का है तो आप ध्यान रखें, ये आपको दिखा 3 कॉक है, तो आप 1 कॉक सर्विसिंग करना है उसको रेडी करके फिर दूसरा करना है, ऐसा नहीं आपने एक साथ ही 3 कॉक खोल दिया, ऐसा नहीं करना है। क्या होता है हमारा जो कॉक है यूज़ करने के हिसाब से रहता है, कोई ज़्यादा घिस गया कोई कम घिस गया कोई और कम घिस गया, तो क्या होगा अगर ये वाल अंदर बदली हो जाएगा तो कॉक लीक कर सकता है आपका, इसके लिए हमेशा ध्यान रखें एक सर्विसिंग कर लें फिर दूसरा खोलें, दूसरा कर लें फिर तीसरा खोलें, इस तरह से बारी बारी करना है। अब दोस्तों मैं लाता हूँ गैस ग्रीस, आपको इसका उपयोग करना है। अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे पहले हमने इस कपड़े उपयोग किया था, ये कपड़ा काफ़ी गंदा हो गया है, अगर कॉक सर्विसिंग करना हो तो उसके लिए एक नया साफ सुथरा कपड़ा होना चाहिए, जिसमें धुल मिट्टी ना हो, हम साफ सुथरा कर सकते हैं, वैसा कपड़ा उपयोग करना है गैस कॉक सर्विसिंग के लिए। और अपने हाथों को भी साफ रखें, तो आप क्या करें फिर आपको ये बारीक वाला स्क्रू जो है इसको खोल लेना है, ये देखिए इसे घुमाना नहीं है, इसको बराबर संभाल के रखें, नहीं गुम हो जाएगा तो काफ़ी दिक्कत होगा आपको ढूंढने में, और
फिर आपको दुकान पर जाना पड़ेगा, फिर स्प्रिंग बाहर निकाल लें, ये देखिए स्प्रिंग निकल गया है। फिर आपको ये वाल निकालना है दोस्तों, वाल निकालना है, ये देखिए इस तरह रखें, नाल के अंदर इसको ऐसा खींच के निकल जाएगा ये दोस्तों, कभी कभी नहीं निकलता है, नहीं निकलता जितना करें, ये देखिए इस तरह से पहले आप दो चारों घुमाएँ, इससे क्या होगा अगर वाल हमारा थोड़ा ढीला हो जाएगा तो आपको निकालने में आसानी होगी। ये देखिए डाल दिया आपने, ये देखिए निकल गया है। फिर आप क्या करें इसको इसके बाहर निकाल दें, और फिर आप क्या करें ये देखिए पहले वाल को इस तरह पकड़ना है, और सबसे पहले आपको इस तरह साफ करना है, यानी कचरे को इधर नहीं लाना है, कचरा उस तरह ले जाना है जिस तरह बड़ा भाग है। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आपसे वादा करता हूँ कि आपको गैस चूल्हा सर्विसिंग करने में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, आप आराम से सर्विसिंग कर पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और दोस्तों देखिए अभी आपको साफ करने का है, आप देख पा रहे हैं टेस्टर लगा रहा हूँ मैं, लेकिन टेस्टर कहाँ लगा रहा हूँ आप गौर से देखिएगा, आप ध्यान से देखिए मैं कहाँ लगा रहा हूँ टेस्टर, फिर आपको समझाता हूँ मैं कैसे यहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। दोस्तों आप देख रहे होंगे ये हमारे हाथ में वाल है, वाल के अंदर ये देखिए यहाँ से भाग चिकना है, सड़ दिख रहा है, यहाँ से भाग गंदा है, यानी कि हमारा जो वाल है ये घूमता है इस तरह अंदर, अगर यहाँ पे आपने लगा दिया बराबर इसमें स्क्रेच आ जाएगा, स्क्रेच आ जाए क्या होगा पता है, स्क्रेच आते ही आपको कॉक लीक करेगा ये, तो इसे ध्यान रखना है, कोई धारदार चीज़ हो या कोई चीज़ हो यहाँ पर रगड़ना नहीं है, नहीं तो निशान आ जाएगा तो लीक करेगा ये। फिर आप ले लें एक पिन, ये हमारा गैस ग्रेस नीडल है, और गैस साफ करना नीडल है, तो पहले आप बड़ा हो रही है तो उसको इस तरह से लें और ये इसको आराम से साफ कर दें, और ये बड़े होल के लिए ये बड़ा वाला उपयोग करें। तो ये फाइल टाइप है, इसको आप रगड़ेंगे तो ये अंदर से पूरा क्लीन कर देगा ये, तो ये आप देख पा रहे हैं बारीक वाला जो है, बारीक वाला जो रहता है इससे हमारा वो साफ होता है। अभी आपको दिखाता हूँ कचरा साफ कर लूँ, जो सब सही से करेंगे तो जल्दी ख़राब नहीं होता, ये जल्दी जाएगा नहीं चलता है अगर आप सही से करेंगे तो। और ये बारीक वाला होल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये दोस्तों देखिए आपने डाल दिया थोड़ा सा, इस कपड़े को इस तरह से लें गोल करें, इस होल में डालें इस तरह से, दोस्तों बहुत बारीक बारीक बातें हैं ये, इस तरह आपको कोई समझाने वाला नहीं है, क्योंकि लोग वीडियो बनाते हैं उन्हें खाली अपना वीडियो चलाने से मतलब रहता है, लेकिन मेरा मतलब ऐसा नहीं रहता, मेरा मतलब रहता है कि लोग जो हमारा वीडियो देख रहे हैं सीख जाएं और अपना काम तो आसानी से कर ही पाएँ। फिर आपको दूसरे होल के अंदर भी इस तरह से लेना है इस तरह से, और इसको ये इस तरह से करना है, इससे क्या होता है हमारा जो होल है कचरा होगा बड़ा बड़ा ये निकल जाएगा, फिर आपको अच्छे से दिखाई देगा, फिर आप अच्छे से साफ कर पाएंगे। इसके अंदर एक बारीक सा होल रहता है, इसको साफ करना बहुत जरूरी है, तो सफा हो गया है, इसको चेक करेंगे कैसे चेक करेंगे, ये देखिए अब देखिए आपने हवा मारा, हवा जा रहा है, फिर आप देखिए इसको बंद कर लें, फिर आप क्या करें ये देखिए थूकने बजाय खींचना आपको इस तरह से, इस तरह खींचे तो क्या होता है अगर आपका ये होल जो है बारीक वाला होल क्लीन होगा तो आपकी जुबान को पकड़ेगा नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका होल क्लीन हो चुका है। दूसरा तरीका ये है कि आप ले लें मोबाइल, उसको टॉर्च जला लें और ये बड़ा होल बंद कर लें और यहाँ पे टॉर्च दिखाएं, अगर आप क्लीन हो चुका होगा तो जो आपका उजाला है यहाँ बारीक होल से दिखाई देगा, तो इससे पता चल जाएगा कि आपका होल साफ हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन हमारा साफ है मुझे पता है, मोबाइल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप क्या करना है इसको इस तरह रखना है, और हमने बताया पहले ही आप कोशिश करें कि आपका जो कचरा हो उसके अंदर ना जाने पाए, इसके लिए मैंने ऐसा रखा है, आप गौर से देखिएगा एक एक बारीक बारीक बातें समझा रहा हूँ मैं। और फिर देखिए अभी डालेंगे आप टेस्टर में, लेकिन टेस्टर कहाँ डालेंगे आप, ये देखिए टेस्टर से इतना लाएँ ताकि बाहर जो कचरा है उसको साफ कर लें,
ये देखिए कि कई लोग कमेंट करेंगे कि ऐसा नहीं वैसा, भाई हमेशा से ऐसे करते आया हूँ तो जो मैं करता हूँ वही बताऊँ आपको। ये बहुत सिंपल तरीका है, ये आपको इसको भी साफ करना है। अभी हमने अंदर साफ नहीं किया, अभी हमने बाहर ही सफा किया है, अंदर तो बिल्कुल किया नहीं है। अब तो उसमें कपड़े को इस तरह रखें और ये इस तरह रखें, आराम से इसको अंदर ले जाएं और आराम से घुमाएं इसको। ऐसा नहीं घुमाना है कि आपका इसके अलावा जो है एक कपड़े से फट के आपको कॉक को रगड़ रहा हो, ऐसा नहीं करना है। ये देखिए हमारा जो सिलावट है बिल्कुल अंदर ही है, बाहर गया नहीं है। इससे क्या होगा, आपका जो कॉक है बिल्कुल साफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, ख़राब नहीं होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान रखें आप। अगर आप इनको ध्यान रखते हैं और तो फिर आपको गैस चूल्हा सर्विसिंग में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है और आराम से अपना गैस चूल्हा सर्विसिंग कर पाएंगे। हाँ दोस्तों, देखिए सफा हो गए। फिर आप क्या करें, एक बार इसे फूंक मार दें। अब दोस्तों क्या करें, अपने हाथों को साफ कर लें चुटकियों को इस तरह से, फिर डब्बा खोल लेंगे। ये देखिए कॉक को पकड़ना इस तरह से, दोस्तों ग्रीस बहुत ज्यादा लगाना नहीं है, थोड़ा सा लगाना है नाम मात्र। दोस्तों ठंडी मौसम में इससे ग्रीस जमा हुआ हल्का सा, ये देखिए हमने कॉक में ग्रीस लगा रहा है बाल में, बहुत हल्का सा लगा रहे हैं, ज़्यादा लगाना नहीं है। और फिर डिब्बी को तुरंत बंद करें ताकि इसे मिट्टी जाने ना पाए। फिर दोस्तों देखिए आपको इस तरह से डाल देना वाल को, ये देखिए डाल दिया हमने। फिर लगा देना स्प्रिंग और फिर आपको डाल देना ये स्पेंडल और फिर आपको टाइट कर देना इसका स्क्रू। ये देखिए डाल दिया हमने और ये आपको लगा देना है स्क्रू, स्क्रू लगा के टाइट कर देना है। हाँ दोस्तों देखिए ये हमारा टाइट हो रहा है। दोस्तों टाइट करते समय ध्यान रखें कि आप टाइट इतना ज़्यादा ना करें कि स्क्रू टूट जाए। इतनी बार क्या होता है हमारा स्क्रू टूट भी सकता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ये आपको ध्यान रखना है कि आपका स्क्रू जो है क्यों टाइट करना है और फिर आपको इसी तरह से इस सभी को सर्विसिंग कर देना है। दोस्तों देखिए हमने इसको सर्विसिंग कर दिया है, अभी आपको क्या करने का है, निपल खोलना है। दोस्तों निपल खोल लिए, आपको ऐसे ऐसा निपल बांधा होना चाहिए या फिर आप पक्का से खोल सकते हैं। आपको इस तरह पकड़ना है, खोलते समय कभी कभी क्या होता है खुलता नहीं है, ये खुल गया, ये देखिए खुल गया ये। अभी आप क्या करें, आगे से जो कचरा लगा रखा है तो तारों से अच्छा रहेगा, फिर आप उसे कैसे घर दें, इससे क्या होगा कचरा जो भी होगा ये निकल जाएगा। ये ओके, अभी फिर आप निपल का नंबर देख लें, किस नंबर का निपल है, ये जो नंबर का हो वो नंबर आप लगा दें इसके अंदर। मैं लगा रहा एक 55 नंबर बीच में छोटा वाला था और दोनों साइड में लगा रहा हूँ मैं 75 नंबर, टाइप करते हैं आप। दोस्तों देखिए निपल हमारा फिटिंग हो गया है, अभी आप क्या करें ये देख लें, इसे कचरा इसको साफ कर दें भाई, साफ करें पूरा साफ कर लें। दोस्तों देखिए आपको डाल देना है इसको, इससे डाल देना पहले और ये देखिए ये आपको इस तरह से आ गया है और अभी इसको टाइट कर देना आपका स्क्रू। दोस्तों तीनों को आपको फुल टाइट करना एकदम, हाँ बस टाइट हो चुका है। एक बंडल दोस्तों देखिए, ये देखिए इस तरह लेना है और अभी आपको सभी मिक्सिंग ट्यूब को टाइट कर देना है। दोस्तों इसका नाम मिक्सिंग ट्यूब है और फुल टाइट करना है।
हाँ टाइट हो गए, इसी तरह आपको तीनों लगे कट कर जाना है। कट करना तीनों को, ये रेडी है। अभी आप क्या करें, सब देख पा रहे कैप लगा दिया हमने, तो जाम है ये। क्या थोड़ा फ्री करना पड़ेगा, हमने ध्यान नहीं दिया था, कोई बात नहीं है। आपको कैप को निकाली फिर से, इस तरह पकड़े टू जैक पकड़े, देखिए अभी ठीक है, अभी ठीक है। आपकी लगा दें अभी नॉब, दोस्तों देखिए एकदम फ्री हो गया, अभी कोई दिक्कत नहीं है। आप चला गए, हम चेक करते हैं कि हमने जो रिपेयर किया है सही है गलत है। पाइप लगाए हाथ जरूर लगाना है, बोलना नहीं हाथ लगाना आपको, खास करके इस टाइप को नोजल का, क्योंकि नोजल बहुत कमजोर होता है, ये टूट जाता है। अब टूट जाए ग्राहक बोलेगा कि आपने तोड़ दिया, भर के दो, ग्राहक समझता नहीं है। ये हजे रेगुलेटर इसको ऑन कर दोस्तों, ऑन हो चुका है ये। अभी आपको जरा चेक कर लेना है कि कैसे चल रहा है ये, दोस्तों फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लगता है, दोस्तों देखिए एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। दूसरा देखते हैं, दूसरा चल रहा है, तीसरा देखते हैं, तीसरा चल रहा है। दोस्तों देखिए अभी एकदम ओके है, अब स्लो करके देख लें, स्लो बंद नहीं हो रहा है। दोस्तों देखिए हमने स्लो कर दिया, बंद नहीं हो रहा है, ये देखिए ओके है। दूसरा देखते, दूसरा देखिए स्लो किया हमने और बंद नहीं हो रहा है, ये ओके है। तीसरा देखते ये भी स्लो किया हमने, बंद नहीं हो रहा है, गैस चूल्हा बिल्कुल ओके हो जाएगा। इस तरह से आप गैस चूल्हा सर्विसिंग कर सकते हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही दोस्तों बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह का दूसरी वीडियो हर दिन लेके आते रहता, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्विटेशन कार्ड भेजना पड़ेगा बंद करने के लिए। चल।